शिबा इनू का सबसे बड़ा इवेंट यानी कि शिबेरियम के लॉन्च का इवेंट बहुत ही करीब आ चुका है। यही कारण है कि अभी 600% से भी ज़्यादा इंक्रीज आया है पिछले कुछ समय के अंदर, यानी कि बहुत ही बड़ी ट्रांजैक्शंस करी जा रही है शिबा इनू की। इसके पीछे मेन रीज़न है कि जितने भी बेयरिश ट्रेडर्स है जो बेयर्स है वो पीछे हट चुके हैं और अभी सिर्फ लॉन्ग ही किया जा रहा है। और पिछले कुछ दिनों के अंदर हम देख रहे हैं कि शिबा इनू टॉप ट्रेंडिंग कॉइन्स में से एक चल रहा है, क्योंकि इसने 7 डेज की बात करें या 24 आवर्स की बात करें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिया है। सिर्फ शिबा इनू ने ही नहीं बल्कि बोन जो है शिबा स्वैप का उसने भी, तो ये दोनों कॉइन्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे कम से कम 20 से लेकर 50% का प्रॉफिट बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्द मिलने वाला है। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ शिबा के पास टोटल इसके प्राइस में 10 जीरोस थी, अभी 10 में से सिर्फ और सिर्फ 4 जीरोस रह चुकी हैं। देखते देखते जितनी भी जीरोस है वो खत्म होती जा रही हैं और 1 सेंट और $1 बहुत ही इनएविटेबल हो चुका है, यानी कि पॉसिबल होने वाला है इस शिबा का प्राइस इतना ऊपर जाने वाला है। इसके पीछे बर्न का रीज़न भी है, क्योंकि बर्न भी बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है। तो सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे, वीडियो पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन हमेशा सबसे पहले पहुंच रहे। इसी के साथ हमारा टेलीग्राम चैनल कर लीजिए वॉफ ट्रेड ऑफिशियल, आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलने वाली हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैंने कुछ ही समय पहले डाला था, जिसमें आपको 10 चाइना बेस्ड कॉइन्स के बारे में बताया, क्योंकि चाइना में अभी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजेस को लाइसेंस मिल रहा है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे कॉइन्स बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो खैर, इस वीडियो में हम बात करेंगे शिबा इनू के बारे में। तो एक्चुअल में 600% से भी ज़्यादा इंक्रीज़ आया है बड़ी ट्रांजेक्शन्स में जो कि शिबा की हैं। अब बड़ी ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या है, जिनकी वैल्यू $1,00,000 या फिर उससे भी ज़्यादा है, यानी कि इतनी बड़ी वैल्यू वाली ट्रांजेक्शन्स करी जा रही हैं। और इसी समय के अंदर $91 मिलियन से भी ज़्यादा पैसा शिबा इनू में आया है। अगेन, इसका मेन रीज़न वही है कि शिबेरियम जो लॉन्च होने जा रहा है, जो कि शिबा इनू का Layer 2 सोल्यूशन आने वाला है। इसका मतलब ये भी है कि जो शिबा की आर्मी है सारे के सारे रेडी हैं इस इवेंट में प्रॉफिट अर्न करने के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा बाइंग आ रही है इसका मतलब ये भी समझें कि बाइंग के साथ साथ इवेंट आने से पहले पहले या फिर जैसे इवेंट आएगा यहाँ पे सेलिंग भी उतनी ही ज़्यादा आने वाली है। तो आपने सिर्फ इस चीज़ का फ़ायदा लेना है कि जैसे ही शिबेरियम लॉन्च हो उससे पहले या फिर उसी मौके पर आपने सेलिंग भी करनी है, क्योंकि प्राइस एकदम तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, लेकिन हमने ये ध्यान देना है कि उसी प्राइस में हमने सेल भी करना है। दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि अभी शिबा ओवरसॉल्ड सिचुएशन में चल रहा था, यानी कि जो बेरिश ट्रेडर से वो तो इस ट्रेड से बाहर ही निकल चुके हैं, सेलिंग प्रेशर जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। अब जैसे ये सिचुएशन आती है उसका मतलब ये होता है कि अब शिबा के प्राइस में बाउंस बैक आने वाला है, यानी कि ओवरसोल्ड होने के बाद बाइंग ज़्यादा से ज़्यादा आती है। तीसरी चीज़ ये भी है कि अभी कुछ समय के अंदर हमने देखा कि पेपे जैसे, बॉल्ट जैसे कई सारे फेक कॉइन्स आए हैं, स्कैम प्रोजेक्ट्स आए थे मार्केट में, लेकिन फिर भी हर किसी का जो कॉन्फिडेंस है वो शिबा इनू में ही रहे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स हर किसी को पता था कि ये हमें सिर्फ और सिर्फ लॉस ही देने वाले हैं। इसी चीज़ को देखते हुए जो लूनर क्रैश है वो हमेशा एनालिसिस करते हैं कुछ ना कुछ कॉइन्स का, और उन्होंने अभी शिबा इनू का एनालिसिस किया है, जिसमें अगर हम करंट देखें तो उन्होंने फर्स्ट पोजीशन दी है 4481 में से, प्राइस चेंज के हिसाब से 117, ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से 9th रैंक दी गई है 4481 कॉइन्स में से, सोशल वॉल्यूम के हिसाब से 7th रैंक, सोशल स्कोर में से 3rd रैंक है 4481 में से। तो आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा एंगेजमेंट चल रही है, इतना ज़्यादा एक्टिव प्रोजेक्ट इस वक्त हो चुका है शिबा इनू, क्योंकि इसके रेगुलर बेसिस पर ट्वीट्स भी चल रहे हैं। यही कारण है कि हम शिबेरियम #, या फिर #शिब, #समरऑफशिबेरियम, ये सारे के सारे ट्रेंडिंग में देख रहे हैं अभी भी ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर। और मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि इसकी जो वैल्यू है अभी 12 मिलियन% ज़्यादा हो चुकी है, अगर हम पिछले 3 साल से देखें 12 मिलियन% का जो प्रॉफिट है हमें मिल चुका है शिबा इनू के प्राइस में, क्योंकि इसमें आपको बताया था कि टोटल 10 जीरोस थी, 10 में से सिर्फ और सिर्फ 4 जीरोस रह चुकी हैं, इतनी ज़्यादा जीरोस 3 साल के अंदर कट हुई हैं, और आने वाले समय के अंदर 1 या 2 जीरोस और बहुत ही जल्दी कट होने वाली हैं, यानी कि इसकी वैल्यू 1 सेंट के आसपास बहुत जल्द पहुँचेगी। यही कारण है कि अभी ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वन ऑफ द बेस्ट एसेट है अगर आप इसको बाय करके होल्ड भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक सिर्फ मीम कॉइन नहीं है बल्कि एक बेस्ट डिफाई कंटेंडर बन चुका है। अब इसी चीज़ को देखते हुए जो इसका बर्न रेट है वो भी इंक्रीज़ हो चुका है, 100% से भी ज़्यादा इंक्रीज़ आया है शिबा के बर्न में। ये शिप का रेट भी इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि ताकि इसकी जो सप्लाई है वो कम करी जाए और इसी के साथ जो डिमांड है वो और भी बढ़ जाए। वैसे भी डिमांड इस वक्त पर बहुत ही ज़्यादा चल रही है शिबा इनू की। अब ये सारी की सारी अपडेट्स डिस्कस करने के साथ साथ मैंने आपको कल के दिन एक और चीज़ बताई थी कि ये अपना एक नया प्रोजेक्ट लेकर आया है जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम है, जिसको हम SSI बोल सकते हैं। ये वीडियो बनाते हुए मैंने यहाँ पे देखा कि एक नया आर्टिकल आया है शिब SSI के नाम से, इन्होंने हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये किस तरीके से हेल्प करने वाला है डिजिटल आइडेंटिटी के हिसाब से या फिर शिबा इनू के प्रोजेक्ट को आगे ले जाने में, ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे।
क्योंकि ओवरऑल अगर हम एनालिसिस देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, तो एक तो चीज़ सामने आ ही चुके कि सेलिंग प्रेशर जो है शिबा इनू का वो बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है, बहुत ही कम हो चुका है, अभी सिर्फ बाइंग ही आ रही है लगातार शिबा इनू की। अब आपको एक चीज़ बताई थी कि शिबा इनू को एज ए कोलैटरल भी दिया जा सकता है अगर आप वीआईपी लोन सर्विसेज को एक्सेस करना चाहते हैं बाइनेंस के ऊपर, यानी कि बाइनेंस ने शिबा को ऐड कर दिए, आप शिबा दो और उसके बदले में आप लोन ले सकते हैं। तो यहाँ आप सामने एक लिस्ट देख सकते हैं जिसमें न्यू कोलैटरल एसेट्स की लिस्ट दी गई है, जिसमें शिप, कॉम्प, आयोटा, आरएलसी, हॉट, एंज, थेटल, आईओएसटी, तो ये सारे के सारे कॉइन्स इंक्लूड किए गए हैं जिसमें शिबा का भी नाम है। अब बाइनेंस जैसी इतनी बड़ी एक्सचेंज अगर सपोर्ट करेगी शिबा इनू को तो डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट और भी ज़्यादा हाइप लेगा ही लेगा। अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एसएसआई एक्चुअल में क्या है, जो कि शिबेरियम का खुद का नया प्रोजेक्ट आया है। शिबेरियम के लॉन्च होने के साथ साथ इन्होंने ये चीज़ नई अभी रिवील करी है, सेल्फ सोवरेन आइडेंटिटी, जिसमें बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा आइडेंटिटी के लिए, यानी कि डिजिटल आइडेंटिटीज बनाने के लिए। आपका वॉलेट ही आपकी आइडेंटिटी होने वाली है। तो शिबा इनू का कहना यह है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ गूगल की बात कर लें, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक की बात कर लें, वहाँ पे हमारे डाटा को मोनेटाइज किया जाता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके द्वारा अर्न किए जाते हैं, जहाँ पे हम परमिशन देते हैं, सारी परमिशन तो अलाउ कर देते हैं लेकिन हमें वो पता नहीं होता कि हमने क्या क्या परमिशन दी हैं। लेकिन इसका रीज़न यही होता है कि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम पता ही नहीं होता कि क्यों परमिशन ली जा रही हैं, इतनी ज़्यादा परमिशन दे के ये हमारे डाटा के साथ क्या करने वाले हैं। अब जैसे ये SSI आ जाएगा, इससे क्या है कि शिबेरियम बिल्डर्स जो हैं या फिर कम्युनिटी मेंबर्स हैं, उनके हाथ में ये रहने वाला है। हम अपने हाथ में रखेंगे कि हमने कितना डाटा हमारा देना है, कितना रिवील करना है, कितना काम करने के लिए इनको देना है, ताकि और भी ज़्यादा ब्लॉकचेन को यूज़ करते हुए ट्रस्ट भी बिल्ड हो और हम डिजिटल वर्ल्ड को यूज़ कर पाएं। तो ये जो SSI सिस्टम है अभी एकदम से तो नहीं यूज़ होगा, लेकिन अभी धीरे धीरे इसकी शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि ये भी शिबेरियम के ऊपर ही रन होने वाला है। इसका अपना जो ब्लॉकचेन होगा इसी के ऊपर रन होगा, जिससे क्या कि एंडलेस अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिल सकती हैं शिबेरियम के ऊपर। जैसे कि SSI इनका खुद का प्रोजेक्ट आ रहा है, इसी के साथ और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे, जैसे कि कुछ हैकाथॉन्स होंगे तो वो इस ब्लॉकचेन के ऊपर नए से नए प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, और जो शिबा इनू का इकोसिस्टम है ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होने वाला है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक क्लियरली चीज़ बताई है कि शिबेरियम तो बहुत ही जल्द आने वाला है, शिबेरियम तो अभी लॉन्च हो जाएगा, लेकिन जो SSI है इस सिस्टम को पावरफुली सही तरीके से रन करने के लिए अभी थोड़ा समय लगेगा, कुछ महीनों का टाइम लगेगा। यानी कि अगले इवेंट की अगर हमने वेट करनी है तो वो वेट करनी है SSI की। अभी हमने शिबेरियम की बहुत लंबी वेट करी और शिबेरियम के कारण ही हम एक बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे 5 जीरोस अगर दिख भी रही हैं तो एक जीरो तो ऐसी कट हो जाएगी, 0.00009 के आसपास प्राइस चल रहा है। तो यहाँ से हम इजीली 2x से लेकर 5x 10x तक का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं शिबा इनू के प्राइस में। इसी के साथ साथ बोन कॉइन में भी ये हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही, इसी के साथ और भी कुछ अपडेट्स में डालने वाला हमारे टेलीग्राम के ऊपर वॉफ ट्रेड ऑफिशियल, आप सर्च करके या फिर लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारे लिंक्स इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, ताकि आप तक मैं हमेशा ऐसे नई से नई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पहुंचाता रहूं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।